अगर आपके पैन कार्ड में नेम, फादर नेम या फिर डीओबी में किसी तरह की कोई मिस्टेक है तो आप ये तीनों करेक्शन ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। ये तीनों ही करेक्शन करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की या किसी पैन कार्ड ऑफिस पर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने आधार कार्ड से ये तीनों करेक्शन कर सकते हैं, बस आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन कार्ड में ऑनलाइन कोई भी करेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है tin-nsdl.com। लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन पेन सर्विसेज, इस पर ओके करेंगे। पेपरलेस पेन एप्लीकेशन, इस पर ओके करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स डाल के सबसे पहले एक टोकन नंबर जनरेट करना होगा, जिसके लिए आप सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट पर ओके करके चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन डाटा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने पैन कार्ड की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल। यहाँ पर अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, श्री, श्रीमती या फिर कुमारी। यहाँ पर अपना लास्ट नेम, सरनेम डालेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर मिडिल नेम। अगर सिंगल नेम है तो सिंगल नेम यहाँ लास्ट नेम में डालेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर अपना नेम और डीओबी आपको करेक्ट डालनी है, जो आपके आधार कार्ड में करेक्ट है वही डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको यस करेंगे। यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे, इसके बाद कंसेंट देंगे और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे। अब आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपको इस टोकन नंबर को नोट करके रख लेना है। अगर आपका एप्लीकेशन फिल करते टाइम ब्राउजर कट जाता है या फिर नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप इस टोकन नंबर से अपने एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर ओके करेंगे। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको इस फॉर्म को कम्प्लीट फिल करना है। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से अपने फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC एंड E-साइन पेपरलेस। ये ऑप्शन बिल्कुल पेपरलेस है, आपको इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की या फिर कहीं भी पैन कार्ड ऑफिस पर जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स होगी वो डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी और आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपके पैन कार्ड में करेक्शन किया जाएगा। आपके आधार कार्ड पर जो फोटो होगा वही फोटो आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होगा और सिग्नेचर करने के लिए आपको ब्लैंक जगह दी जाएगी, जहां पर आप मैनुअली सिग्नेचर कर सकते हैं। बस यहां पर शर्त यह है कि आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको फिजिकल और डिजिटल दोनों पैन कार्ड चाहिए तो आप इसको यस रखेंगे और आपको फिजिकल नहीं चाहिए तब आप इसको नो करेंगे। अगर आप फिजिकल नहीं लेते हैं तब आपको फीस कम देनी होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल और डिजिटल दोनों लें, क्योंकि फीस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर के लास्ट 4 डिजिट डालेंगे। आपके आधार कार्ड में जो फोटो है वही फोटो आप पैन कार्ड पर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका नेम और डीओबी पहले से फिल रहेगी, आपको बस इसको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम, सरनेम डालेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर मिडिल नेम। अब आप जो भी डिटेल्स फिल करेंगे उसके ऊपर आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसको आप चेक और अनचेक कर सकते हैं। जैसे कि ये जो डीओबी है इसके ऊपर यहाँ पर एक बॉक्स है, इसको आप इस तरह से चेक और अनचेक कर सकते हैं। जेंडर के ऊपर भी आपको एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ नेम के ऊपर भी एक बॉक्स है। तो आप अपने पैन कार्ड में जो भी करेक्शन करना चाहते हैं उस बॉक्स को आपको चेक करना है। जैसे कि हम डीओबी करेक्शन करना चाहते हैं तो डीओबी वाले बॉक्स को चेक करेंगे, नेम भी करेक्शन करना है तो नेम वाला जो बॉक्स है इसको भी टिक करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी डिटेल्स करेक्शन करनी है उस बॉक्स को आपको ज़रूर चेक करना है, तभी आपका वो करेक्शन होगा। फादर्स नेम में कोई करेक्शन है तो यहाँ डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, इसको चेक करेंगे। यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे, वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आप पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करना चाहते हैं, फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर कंट्री का कोड सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ कंट्री का नेम डालेंगे तो कंट्री का कोड सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी। अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी करेक्शन करना चाहते हैं, नई अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स, इसको भी चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल्स देनी है, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस और डीओबी, तीनों में आपका आधार कार्ड बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा,
क्योंकि ये पेपरलेस ऑप्शन है। पेपरलेस में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके आधार कार्ड में जो डिटेल होगी उसी के बेस पर आपके पैन कार्ड में करेक्शन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ प्रूफ ऑफ पैन में नो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। यहाँ सेलेक्ट पर ओके करके हिमसेल्फ हरसेल्फ सेलेक्ट करेंगे, आपका नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डालेंगे, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो हमारे केस में सिर्फ हम आधार कार्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पर डालेंगे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में 1। इसके बाद यहाँ प्लेस डालेंगे, प्लेस में अपनी सिटी का नाम डालेंगे और सबमिट करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी है, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है। सबसे पहले यहाँ पर अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 डिजिट डालेंगे। इसके बाद नीचे अपनी कंप्लीट डिटेल्स चेक करेंगे, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है। जैसे कि हमें नेम करेक्शन करना है और DO भी करेक्शन करनी है, तो हमारे ये दोनों बॉक्स चेक है। आपको चेक कर लेना है कि आपने जो करेक्शन करना है वो बॉक्स आपने चेक किया है या नहीं किया है। अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक बार इसको प्रोसीड कर देंगे तो फिर आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, उसी के बाद प्रोसीड करना है। तो चलिए, हमारी सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट है, हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब आप पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप बिल डेस्क के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेटीएम। आपको टोटल 106 रुपीज़ 90 पैसे का पेमेंट करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे, इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये जो QR कोड है आप इसको स्कैन करके भी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशन ओपन करनी है, जो भी आप UPI प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, और इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट को पे कर देना है। पेमेंट कंप्लीट हो गया है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद ऑथेंटिकेट, इस पर ओके करेंगे। अब आपको EKYC कंप्लीट करने के लिए यहाँ कंटिन्यू, इस पर ओके करेंगे। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे। EKYC कंप्लीट हो गई है, अब आपको e-sign कंप्लीट करना है, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अपना वर्चुअल ID नंबर या फिर आधार नंबर डालेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और सेंड OTP, इस पर ओके करेंगे। अब फिर से आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP डालने के बाद वेरीफाई करेंगे, और हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक PDF जनरेट हुई है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन करके भी देख सकते हैं। और ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है, आपको इसमें एक पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड आपकी DOB होगी, जो भी आपकी DOB है वो DOB आप यहाँ पर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी DOB है 1/1/2001, तो आपको यहाँ पर डालना है 01/01/2001, उसके बाद ओके करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल्स होगी, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है, आप इसको रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड करके रख सकते हैं। साथ में आपकी ईमेल आईडी पर भी एक मेल आ जाती है, इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 2 PDF देखने को मिलेगी, एक है आपका एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरी है आपकी रिसिप्ट, जिसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, इस पर ओके करेंगे तो ये भी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टर रहती है, इसमें भी आपको DOB डालनी है और सबमिट करना है। इस रिसिप्ट में आपकी कंप्लीट डिटेल्स होगी, यहाँ पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाता है, जिससे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे। पैन कार्ड का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको इस पेज पर आ जाना है, इसका लिंक भी आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में सेलेक्ट करेंगे पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट, यहाँ पर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। आपके सामने पैन कार्ड का कंप्लीट स्टेटस आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद पैन कार्ड में करेक्शन होने में 24 घंटे से लेके 1 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है, तो आपको वेट करना है और अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहना है। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाती है, जिसमें 24 घंटे से लेके 1 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है, और पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड की जाती है, जिसमें 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक का टाइम लग जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक पैन कार्ड में करेक्शन किया था, तो मेल आईडी पर आपको पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी कुछ इस तरह से मिलती है। यहाँ पर एक मेल आएगी NSDL की तरफ से, और इसमें एक PDF फाइल होगी, इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी आपको एक पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड आपकी DOB होगी। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करेंगे तो इस तरह से आपको पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी मिल जाती है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप कहीं पर भी प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। इस प्रोसेस से पैन कार्ड में करेक्शन करने पर आपके आधार कार्ड वाला फोटो ही आपके पैन कार्ड पर प्रिंट किया जाता है, और सिग्नेचर करने के लिए आपको इस तरह से यहाँ पर खाली जगह दी जाती है, जिस पर आप बाद में मैनुअली सिग्नेचर कर सकते हैं, और आपका ये पैन कार्ड बिल्कुल 100% वैलिड रहता है। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कहीं पर भी यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो पैन कार्ड में ऑनलाइन बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए सिर्फ आधार कार्ड से करेक्शन करने का ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं।
सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पैन कार्ड में करेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।